मैं सुमित नाथ का आरके स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमने कल की क्लास में जो डिस्कशन किया था वो रीजनिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था कि हम सारे चैप्टर जितने भी रीजनिंग में होते हैं हमने एक एक चैप्टर को अच्छे से समझा था कि इस चैप्टर है इतने चैप्टर रीजनिंग में, इससे कोई बाहर नहीं है आपके सिलेबस में। तो आज हम पहला चैप्टर जो करेंगे सीरीज, सीरीज की जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम सीरीज के सभी टाइप, जितनी भी टाइप की सीरीज बनती है हमारी एग्जाम में, उस टाइप के सभी सीरीज को समझेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम सभी टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी आए हैं सब क्वेश्चनों को करेंगे। तो आज की क्लास में हम बेसिक को समझते हैं, प्रत्येक टाइप को देखते हैं कि हम कैसे कैसे सीरीज को करेंगे। हम देखें तो हमेशा हम याद रखेंगे कि सीरीज पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के हैं, जैसे कि उनके बीच का अंतर देखेंगे, उनके बीच का जो उनके बीच का घटाव देखेंगे, उनके बीच की गुणा देखेंगे, भाग वर्ग और घन देखेंगे, एवं अभाज्य संख्याओं पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे सीरीज में हम उनको टाइप वाइज समझते चलेंगे। तो हम देखते हैं कि सीरीज में हमारे किस किस टाइप के बेसिकली जो क्वेश्चन है कैसे कैसे बनते हैं। पहले मैं बात करूं तो हमारे एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनता है कि जिसमें हमारे नंबरों के ऊपर होता है, अर्थमेटिक जितने भी हमारे नंबर होते हैं उनके ऊपर हमारे नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं अल्फाबेट सीरीज, यहाँ पे हमारे जितने भी वो होंगे वो अल्फाबेट जितने भी हमारे होंगे उनके ऊपर हमारी सीरीज बनती है। मैं नंबर तीन बात करूं कंबाइंड सीरीज, उसमें क्या है हमारा नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज हमारे दोनों के मिक्स होंगे और उसके आधार पे क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं टाइप वन की तरफ चलता हूं। अगर मैं टाइप तो सबसे पहले आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जोड़ने वाली सीरीज, टाइप वन में हम जोड़ने वाली सीरीज को देखेंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जोड़ने वाली सीरीज से, सब आपको भी दिख रहा होगा और बहुत बच्चों ने कमेंट में अब तक आंसर दे भी दिया होगा। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को करूं तो मैं देखता हूं जैसे 5, 11, 7, 10, 23, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं कि हमारी जोड़ने वाली सीरीज है तो ये अगर मैं यहाँ से देखूं तो हम ऐड करते हैं क्या है 6 को अगर हम ऐड किया तो 11 बना है। 11 में अगर हम फिर से यहाँ गैप देखें तो 6 का फिर से गैप है तो यहाँ 17, और फिर मैं देखूं तो यहाँ पे 6 का गैप है तो यहाँ 23। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि हमारी जोड़ने वाली जो सीरीज है इसमें हम अगर 6-6 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है। तो नेक्स्ट अगर मैं देखूं, अगर 6 ऐड करूं 23 में तो हमारा जो आंसर आएगा 29। आपको ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा होगा, पहला ही ऑप्शन है ये हमारा, इसका आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं मैं जोड़ने वाली सीरीज का ही, आप इस क्वेश्चन को देख के पता कर लगा तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारा क्या है 6, 11, 14, 15, 22, 19, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आंसर होगा। बहुत बच्चों ने इसका आंसर अब तक कमेंट बॉक्स में दे भी दिया होगा, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या है 5 ऐड हो रहा है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 या 1, तो हमारा ऐसे कोई इसमें कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। अगर मैं 1 छोड़ के 1 की बात करता हूँ जोड़ने वाली सीरीज में तो मैं देखूं यहाँ पे, तो अगर मैं 6 में 40 जा रहा है तो कितना ऐड हो रहा है 8, अगर हमने यहाँ पे 8 ऐड किया तो क्या है 14 बन रहा है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं ऐसे ही 1 छोड़ के 1, तो अगर मैंने यहाँ पे 8 ऐड किया तो क्या बन रहा है 22। फिर मैं नेक्स्ट देखता हूं 8 ऐड करके यहाँ आ रहा है 30, लेकिन अभी ये आंसर यहीं से पता नहीं चलेगा, अभी हमें दूसरे जो नंबर बच रहे हैं इनका सीक्वेंस भी पता करना है कि सही है या गलत है। ये क्या है 4, नेक्स्ट 4, तो हमारी इसमें
दोनों सीरीज बन गई है, एक छोड़ के एक हमारा 8 का गैप है, और जहां पे हमको लास्ट में पता चल रहा है कि 30 आएगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चार चार का अंतर हमारी दोनों सीरीज में है, तो इसका आंसर 30 है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं आपको, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूं यहां पे 5 ऐड हो रहा है, फिर मैं इसमें ऐड करूं, यहां पे हो रहा है हमारा 9। अगर मैं यहां पे ऐड करूं तो अगर हमारा यहां पे क्या है, 4 का भी गैप बना है, अगर मैं 4 का फिर से गैप बनाऊं तो यहां क्या आएगा हमारा 13 है। अगर 15 में 13 को मैं ऐड करूं तो क्या होगा 28। अभी मैं देखता हूं सीरीज की हमारी सीक्वेंस में है या नहीं आगे। तो नेक्स्ट अगर मैं ऐड करूं 28 में, फिर हम 13 ऐड करेंगे, सॉरी 17, क्योंकि 4-4 का हमारा वो गैप चल रहा है, तो कितना आएगा 45। और नेक्स्ट मैं ऐड करूं तो इसमें क्या है 21। इसमें हमारा क्या है, हम शुरू से देखते हैं क्वेश्चन को कि हमने यहां पे देखा इन दोनों का अंतर 5, फिर मैंने देखा इन दोनों का अंतर 9, फिर मैंने देखा इन, अगर मैं ऐसे ही इन्हीं के अनुसार चलता हूं तो फिर यहां अगर 4 का गैप है इन दोनों में, तो फिर मैं 4 और बढ़ाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा 13, फिर मैंने 13 में फिर और 4 बढ़ाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा 17, और फिर 4 21 और फिर 25, इसी के अनुसार हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा 28, हमारा ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप टू। टाइप टू अगर हम देखते हैं हमारी आती है घटाने वाली सीरीज। घटाने वाली सीरीज को हम कैसे करेंगे देखते हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करिए फास्ट। अब मैं देखूं इसमें क्या है, 27 यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे हमारा 13 है, तो कितना कम है, ये -14 कम हो गया अपना। अगर मैं नेक्स्ट चलू तो यहां पे क्या है -1, तो अगर मैं 13 में -14 करूंगा तभी क्या आएगा हमारा -1। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां भी क्या आएगा हमारा -14, तो ये क्या है जब ये हमारा 15 है। अगर नेक्स्ट इसी सिक्वेंस में मैं चलू तो -14, तो -14 और -15 कितना हुआ 29, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो घटाने वाली सीरीज का टाइप टू के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहां पे अगर फिर मैं देखता हूं तो अगर 33 यहां पर है, यहां पे 31 है, तो यहां क्या आएगा -2 होके तभी आया 31। नेक्स्ट मैं बात करूं तो 31 से 27 तो -4, नेक्स्ट मैं बात करूं 27 से 21 आ गया तो -6। अगर अब मुझे यहां पता चल रहा है कि मेरी सीरीज जो है महार उसमें जो है दो 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 का गैप कर रही है, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा यहाँ पे -8। अगर मैं 21 में से -8 कम कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 13, जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को फटाफट। ये टाइप टू का घटाने वाली सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पे क्या है हमारा -2, यहां पे क्या है -3। अगर मैं बात करूं माइनस, अगर मैं आपसे सिंपल कहूं कि -5 छोटा है या -3 छोटा है, तो हम इसको देखते हैं कि हमारा -5 ज्यादा छोटा है -3 के मुकाबले। तो
तो कहीं ना कहीं हमारा नंबर जो है इसमें एडिशन हो रहा है, क्योंकि हमारा छोटे की तरफ से बड़े की तरफ हमारा नंबर जो है चला है। तो मैं देखूं यहाँ पे, तो अगर मैं देखता हूँ +2, अगर -2 में मैं +2 करूंगा तभी हमारा क्या आएगा -3। फिर मैं अगर इसी सीरीज में देखता रहूं तो अगर मैं यहाँ पे देखूं -2, अगर मैं करता हूं तो यहाँ -3 में से -2 अगर मैं कम करूं तो -1 अभी तक यहाँ पे आ रहा है। फिर मैं अगर नेक्स्ट बात करूं, सॉरी यहाँ +2 करना है क्योंकि -3 में से +2 कम करेंगे तभी हमारा क्या बचेगा -1। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं -1 में से फिर +2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1। नेक्स्ट मैं बात करूं 1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 3, और नेक्स्ट मैं बात करूं 2 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 5। और नेक्स्ट सीरीज ऐसे हमारी कंप्लीट हुई है +2 +2। तो हमारा इसका आंसर हमें पता चल रहा है कि ++2 हमारी जो सीरीज सीक्वेंस में कंप्लीट हुई है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, पहले -1 फिर 5। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं टाइप 3, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है सीरीज चैप्टर में। इससे किसी भी एग्जाम में इस टाइप का प्रत्येक एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे सिर्फ इसी टाइप से। और पूरे चैप्टर को अगर आप सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो हर एग्जाम में समझ के चलिए कि आपके 8 मार्क्स किसी भी एग्जाम में आपके कंप्लीट है। हर एग्जाम में इस चैप्टर का बहुत महत्व है। अगर मैं बात करूं स्क्वायर वाली सीरीज को, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। कम से कम हमें सीरीज के क्वेश्चन करते समय 2 से लेके और हमें 15 के स्क्वायर बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को जल्दी से समझ सकते हैं और फास्ट कर पाएंगे। तो सभी को ये बहुत जरूरी है कि 2 से लेके 15 तक स्क्वायर सभी को याद करने हैं, सभी को पता होना चाहिए 2 से लेकर 15 तक। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी फटाफट करिए, देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में पहले देता है। शाबाश, चलिए मैं देखता हूं इस क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूं 3, 3 आप समझते होंगे, जिसको भी 2 से लेकर 15 तक स्क्वायर पता होगा तो उसको पता होगा कि 3 किसका स्क्वायर है। अगर मैं बात करूं 3 9 जो है हमारा 3 का स्क्वायर है, और 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, और 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे क्या आएगा, सीरीज हम देखिए 3 4 5, यहां पे क्या है हमारा सिंपल अगर हम देखें 6 6 का स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो यहाँ आएगा 36, और नेक्स्ट में बात करूं 49 हमारा 7 का स्क्वायर है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 36। 36 हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर क्लास को लाइक करिए और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, स्क्वायर वाली सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी करिए क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सब कराए जाएंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको सीरीज से 3 से 4 कहीं कहीं 5 5 क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेंगे, और एक भी टाइप का क्वेश्चन आप सीरीज में आज के बाद आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर मैं बात करूं 16 16 जो है हमारा, ये है हमारा 4 का स्क्वायर, 36 की बात करूं ये हमारा 6 का स्क्वायर है, और 64 की बात करूं तो ये हमारा 8 का स्क्वायर है। अगर मैं 100 की बात करूं तो ये हमारा 10 का स्क्वायर है। अगर मैं सिंपल देखूं कि इस बार हमारी जो सीरीज है वो एक छोड़ के एक बन रही है, कि जैसे 4 5 का छोड़ दिया, 6 का स्क्वायर, 7 का छोड़ दिया, 8 का स्क्वायर, 9 का छोड़ दिया, 10 का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम 11 को छोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा 12 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर आप सभी जानते होंगे कि 144 होता है। अगर किसी को स्क्वायर नहीं भी पता है तो उतने में उतने की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका आंसर है।
144 इसका राइट आंसर है। जिसने भी इसका 144 आंसर दिया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए मैं देखता हूं। अगर मैं आप ये कहेंगे कि हम इस टाइप को समझेंगे कैसे, आप नेक्स्ट क्लास जब हम सब करेंगे प्रीवियस ईयर को और प्रैक्टिस जितनी होगी हमारी, हम देखते ही समझ जाएंगे कि हमारा स्क्वायर का क्वेश्चन है जोड़ने वाली सीरीज से है, घटाने वाली सीरीज से है, या प्राइम नंबर वाली सीरीज से है, या क्यूब वाली सीरीज से है। तो वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कि आपको बस उस क्लास का रिविजन करते रहिए, कोई भी चैप्टर पूरे चैप्टर में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 5, तो इसको मैं देखो तो ये हमारा जो है कहीं ना कहीं हमारी सीरीज 2² + 1, अगर 2 का स्क्वायर मैं करूं 4 + 1 = 5। नेक्स्ट में बात करूं 5 का स्क्वायर + 1, तो 5 का स्क्वायर 25 + 1। नेक्स्ट में बात करूं ये बन रहा है हमारा 8 का स्क्वायर + 1। तो हमारा सीक्वेंस देखते हैं कि 2 के बाद क्या है +3, और 3 के बाद प्लस, 5 के बाद है हमारा 8। तो 3 3 का गैप हमारा आ रहा है। तो अगर मैं सिंपल समझ जाऊंगा कि ये हमारा जैसे मान लीजिए 2 और 5 3, ये 2 का स्क्वायर + 1 था, ये 5 का स्क्वायर + 1 था, तो यहाँ पे हमारा 3 का गैप आया। फिर नेक्स्ट में बात करूं ये 5 का स्क्वायर + 1 और ये 8 का स्क्वायर + 1, यहाँ भी हमारा 3 का गैप आया। तो नेक्स्ट में बात करता हूँ, 3 3 का गैप अगर हमारा हो रहा है तो 8 के बाद अगर मैं इसमें 3 ऐड करूं तो ये हो जाएगा हमारा 11 का स्क्वायर + 1, जो कि हमारा 122 होता है अगर हम दोनों को ऐड करेंगे। तो 11 का स्क्वायर 121 और 1 को ऐड कर दिया उसके साथ में, तो 122। नेक्स्ट में बात करूं 197 आ रहा है, तो फिर मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूं, ये हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर + 1, जो कि 14 का स्क्वायर होता है 196, और उसमें प्लस 1 ऐड हम करते जा रहे हैं तो 197। और नेक्स्ट में बात करूं इसमें ऐड करूं +3, तो ये हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर + 1। इसका आंसर आप सभी बताइए क्या होगा। 17 का स्क्वायर आप सब जानते होंगे। नहीं तो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 17 × 17, और उसके बाद उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा जो 17 का स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 289 + 1, अगर मैं जोड़ दूं उसमें तो हमारा सी आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए फटाफट, देखते हैं कौन पहले आंसर देगा। जल्दी आंसर दीजिए सब लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, इसमें ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में, चलो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले भाई हम देखते हैं कि भाई इसमें कैसे पता करें कि ये हमारी स्क्वायर वाली सीरीज से क्वेश्चन बन रहा है, क्यूब वाली से बन रहा है, क्या आ गए। वो हमारे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आप क्लास को एक बार नोट्स बना के अच्छे से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, अगर मैं पहले देखो कि भाई मैं भूल जाता हूँ कि स्क्वायर वाली सीरीज से क्वेश्चन है, मैं इसको भूल गया, लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि भाई क्वेश्चन कैसे जाएंगे कि हमें स्क्वायर वाली सीरीज से। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ, पहले इसको हमने गैप करके देखा, यहाँ हमारा 22 का गैप आएगा, यहाँ हमारा 30 का गैप आएगा।
नेक्स्ट हमारा जो गैप आएगा 28 और 10, सॉरी 28 और 10, 38, ये हमारा 38 का गैप आ गया। और नेक्स्ट में बात करो तो 38 में अगर आप 8 पढ़ेंगे, 38 और 8 40, तो अगर मैं बात करूं 156 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हमने जोड़ा था 46 110 में, फिर हम क्वेश्चन हमारा जो है दो टाइप से हो जाएगा। और इसका एक और टाइप है इस क्वेश्चन को करने का, एक तो ये क्वेश्चन हम ऐसे कर देंगे कि अब यहां से पता चलता है कि हमारा देखो 8, यहाँ पे भी हमारा 8 का गैप है, और यहाँ भी हमारा जो है 46 है, ये यहाँ भी 8 का गैप है, और यहाँ हमारा 54 है, यहाँ भी हमारा 8 का गैप है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 156। और इसका दूसरा टाइप, एक टाइप और से हो सकता है क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर मैं इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखता हूं करने का, तो ये है अपना 20 को अगर मैं देखूं, कि अगर मैं देखूं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और उसमें 4 और ऐड करूं मैं, क्या होगा अपना 20। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं ये 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो ये अपना हो जाएगा 42, क्योंकि 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36, और उसमें अगर मैं 6 और ऐड और कर दूं तो हो जाएगा 42। नेक्स्ट में बात करूं 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो ये अपना हो जाएगा 72, 8 का स्क्वायर होता है 64, और उसमें 8 और ऐड कर देता हूं तो हो जाएगा 72। नेक्स्ट में बात करूं 10 का स्क्वायर, और इसमें फिर मैं 10 ऐड कर देता हूं तो हो जाएगा हमारा, 10 का स्क्वायर आप सब जानते होंगे कि 100 होता है, और उसमें 10 और ऐड कर देता हूं तो हो जाएगा 110। और नेक्स्ट में बात करूं 12 का स्क्वायर प्लस 12, अगर मैं बात करूं 12 का स्क्वायर होता है 144, और 12 और ऐड कर दूं उसमें तो ये हो जाएगा हमारा 156। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं 14 का स्क्वायर प्लस 14 को अगर मैं देखता हूं तो वो आएगा हमारा 210, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196, 196। तो हम इस क्वेश्चन को दो टाइप से ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट जो सीरीज है हमारी वो आई है क्यूब वाली, घन वाली सीरीज। घन वाली सीरीज में भी हमारा एक ही फॉर्मूला काम करता है बहुत अच्छे से, हमको 2 से लेके 15 तक के घन हमको जरूर आने चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी होगा, नहीं तो हमें एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा क्वेश्चन को करने में। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट। अब तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये घन वाली सीरीज है, इसमें तो कोई वो डाउट ही नहीं होना चाहिए, अब तक तो सभी लोगों ने कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। अब मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की, तो ये 8 को अगर जिन लोगों के घन याद होंगे तो देखते ही समझ जाएंगे कि भाई ये तो क्यूब है किसी ना किसी संख्या का। तो अब मैं देखूं 8 हमारा जो है 2 का क्यूब है, और 27 हमारा 3 का क्यूब है, और 64 जो है हमारा 4 का क्यूब है, 125 की बात करूं तो ये अपना 5 का क्यूब है, और नेक्स्ट में बात करूं यहां पे आऊं तो हमारी जो सीरीज चल रही है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो ये आएगा हमारा 6 का क्यूब, जो कि 6 का क्यूब हमारा होगा 216, और
ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है और यहाँ पे हमारा आएगा 7 का क्यूब जो कि होता है 343। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 343 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। जल्दी फटाफट आंसर दीजिए इसका। कमेंट में जल्दी आंसर दीजिए फटाफट, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूं 1331, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्क्वायर और क्यूब के क्वेश्चन करने के लिए आपको सीरीज में कम से कम 2 से लेकर 15 तक के स्क्वायर और क्यूब सभी को पता होने चाहिए, नहीं तो आप यही समझेंगे कि किस टाइप की सीरीज बन रही है, पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं बात करूं इसको देखो तो ये होता है हमारा 11 का क्यूब, अगर इसकी बात करो ये होता है हमारा 12 का क्यूब, और इसकी बात करो ये होता है हमारा 13 का क्यूब, और इसकी बात करो ये होता है हमारा 14 का क्यूब। हम देखते हैं कि एक एक का हमारा गैप बन रहा है तो नेक्स्ट हमारा आएगा 15 का क्यूब। फटाफट बताइए कौन बताएगा सबसे पहले कि 15 का क्यूब क्या होता है। याद नहीं है तो 15, सबसे पहले 15 × 15 करिए, या 3 बार 15 × 15 की मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा। अगर मैं बात करूं 15 × 15 की बात करते हैं तो 5 × 5 = 25, 125। अगर मैं बात करूं तो हमारा जो लास्ट में 5 आ रहा है मल्टीप्लाई करते टाइम, तो इसका आंसर सीधा यही होगा 3375। ऐसे भी हम समझ सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि और किसी में हमारा लास्ट 5 है नहीं। अगर देखिए कैलकुलेशन, 15 की अगर 15 में मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा हमारा 225। 225 में अगर मैं फिर 15 की मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं मल्टीप्लाई तो 5 × 5 = 25, तो ये तो हमारा 5 ही आ गया लास्ट में। अगर मेरे ऑप्शन में और कहीं 5 है ही नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। वैसे इसका 15 का क्यूब हमारा 3375 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्वायर और क्यूब सभी को आने चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को फटाफट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी मुझे उम्मीद है कि अब बच्चे समझ गए होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं बार बार कि सभी को 2 से लेके 15 तक स्क्वायर और क्यूब बिल्कुल हाथों पे रटे होने चाहिए कि भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, तभी इन क्वेश्चनों में हमें बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। अगर मैं बात करूं 7 को, अगर मैं देखूं 26 को देखो, 63 को देखो, 124 को देखो, 215 को देखो, तो ये कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा है किसी ना किसी संख्या के क्यूब के बिल्कुल आसपास है। जैसे मैं बात करूं सिर्फ 63 को, तो ये हमारा होता है 4 का क्यूब माइनस 1,
तो ऐसे ही मैं इसको बात करूं कि हमारा जो 5 का क्यूब 125 होता है, एक एक करके ऐसे ही समझ जाएंगे कि हमारा क्यूब में से माइनस एक कर रखा है। तो इसको मैं देखता हूं, 2 का क्यूब -1 क्या होता है? 7। नेक्स्ट में बात करूं, 3 का क्यूब -1 क्या होता है? 26। नेक्स्ट में बात करूं, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब होता है 64, और माइनस एक करेंगे तो 63। नेक्स्ट में बात करो, 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब 125, और माइनस एक करेंगे तो 124। नेक्स्ट में बात करो, 6 का क्यूब -1, तो ये आएगा अपना 215, क्योंकि 6 का क्यूब होता है हमारा 216। और नेक्स्ट अगर मैं इसी सीरीज को ऐसे ही देखूं तो एक एक का गैप हम करते आ रहे हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे 7 का क्यूब -1। आप सभी जानते होंगे कि 7 का क्यूब जो है हमारा क्या होता है, या फिर हम सिंपल मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा होता है 343, और उसमें से हम अगर एक माइनस करें तो क्या आएगा हमारा आंसर? 342 इसका आंसर होगा। ये सीरीज ऐसे कंप्लीट होगी जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा, देखिए 342। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जिसने भी बी आंसर दिया है बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी संख्या के क्यूब के नजदीक है। अगर जैसा मैंने बार बार मैं फिर उस चीज को कह रहा हूं कि हमें क्यूब बहुत जरूरी है सीरीज में, और स्क्वायर हमें याद होने बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं इस पहली संख्या को, तो ये कहीं ना कहीं हमारे 10 के क्यूब के आसपास है। अगर मैं 10 के क्यूब की बात करूं तो 10 का क्यूब होता है हमारा 1000। सिंपल अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 × 10, 3 0 हो गई, और एक की आप एक में गुना करेंगे तो 1 तो 1000 आपका इसका रहा 10 का क्यूब, और उसमें क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसका क्या बना रखा है? 1001। अब हम यहीं से समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो हमारा 10 का क्यूब + 1। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये हमारा अगर देखें तो हमारे 12 के क्यूब के नजदीक है, तो इसको मैं देखूं, 12 का क्यूब + 1, 12 का क्यूब होता है हमारा 1728, और उसमें एक और जोड़ दूं तो उसका होगा 1729। नेक्स्ट में बात करूं, ये हमारा 14 के क्यूब के पास है, 14 का क्यूब हमारा होता है 2744, अगर एक और ऐड कर दूं उसमें क्या हो जाएगा? 2745। नेक्स्ट में बात करूं, ये होता है हमारा 16 का क्यूब, 16 का क्यूब हम सभी को पता है। अगर मान लीजिए हमारे 15 तक याद है, तो नेक्स्ट अगर हमारी सीरीज बन रही है तो कहीं कहीं हम जो है मल्टीप्लाई करके भी क्यूब पता कर सकते हैं। तो 16 का क्यूब हमारा होता है 4096, अगर मैं उसमें एक और ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4097। अब मैं देखता हूं कि नेक्स्ट जो हमारी सीरीज आएगी क्या आएगी। मैं यहां से पता करूं कि 10, 10 के बाद 12, 14, 16, तो नेक्स्ट आएगी हमारी 18, क्योंकि एक एक नंबर को छोड़कर जा रहा है। तो नेक्स्ट मैं बात करूं तो 18 का क्यूब + 1, तो जो 18 का क्यूब होता है वो होता है हमारा 5831, और उसमें एक और ऐड कर दूं तो हो जाएगा 5832, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।
नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज है टाइप 5 हम सीरीज देखते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर के ऊपर जो भी सीरीज होती है उसको अगर हम देखें तो कैसे आगे देखते हैं कैसे करेंगे अभाज्य संख्या वाली सीरीज को। अभाज्य संख्या सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं, जैसे मैं प्राइम नंबर की बात करूं, जैसे सबसे पहले 2, 3, 5 7, 11, 13, 17। अगर प्राइम नंबर की मैं बात करूं, प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं, या तो वो नंबर वन से कटेगा, वन से तो आप सभी को पता है कि वन से तो सभी नंबर कट जाते हैं, या फिर वो नंबर अपने आप से ही कटेगा। वो हमारे जितने भी ऐसे नंबर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो हमें प्राइम नंबर का पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर हमारे होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे तो 7 हमारा, अगर सीरीज को हम पता करते हैं कि ये क्या सीरीज है, पहले तो हम ऐड करके देख लेंगे कि भाई अगर हमारा जोड़ने से सीरीज नहीं बन रही है तो फिर हम पहुंचेंगे कि हमारे तो नंबर प्राइम नंबर है, शायद हो सकता है उसी की सीरीज हो। तो फिर देखते हैं, 7 हमारा प्राइम नंबर है, 13 हमारा प्राइम नंबर है और 23 हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हम अगर देखें 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा आता है, 7 के बाद हमारा एक ही प्राइम नंबर आता है, 11। एक प्राइम नंबर आया हमारा 7 के बाद, 11। अगर नेक्स्ट में चलूं, 13 के बाद हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 17 और उसके बाद होता है 19। तो यहां पे क्या है हमारे 2 प्राइम नंबर। तो